मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन के एक पदाधिकारी के साथ रात में जिला अस्पताल में हुई अभद्रता के बावजूद पुलिस कर्मियों के द्वारा उनको ही हिरासत में लेकर मारपीट किए जाने के मामले के बाद यूनियन पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को जेल भेजने की पुलिस की तैयारी ने आज सवेरे दिन निकलते ही गहरा तूल पकड़ लिया। इस मामले में पुलिस कार्य प्रणाली से रुष्ट होकर यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत कार्यकर्ताओं के साथ शहर कोतवाली पहुंचे और धरने पर बैठ गए। उन्होंने पुलिस पर यूनियन कार्यकर्ताओं के साथ गुंडों से भी बुरा व्यवहार करने और अभद्रता करने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही अस्पताल में कर्मचारियों और चिकित्सकों की कार्यप्रणाली को लेकर भी नाराजगी प्रकट की। राकेश टिकैत के कोतवाली में धरने पर बैठने की सूचना मिलते ही जिले में हड़कंप मच गया। गांव देहात से सैकड़ों कार्यकर्ता और संगठन के पदाधिकारी भी कोतवाली पहुंच गए और थाने का घेराव करते हुए हंगामा किया। मामला ये है कि रात किसी का मेडिकल हो रहा होगा, कुछ लोग मेडिकल नहीं करवा रहे होंगे, वे आगे मकान पे, वहाँ पे पुलिस भी आ गई। उनको हमने कहा भाई जब मेडिकल करवाना, आपने आपस में कोई झगड़ा हुआ दो पक्षों का और दोनों मेडिकल करवाना चाह रही पुलिस, तो करवा दो। जो उनके साथ में सिफारसी रात को 1 बजे भेजे, वे सारे के सारे सिफारसियों को यहाँ बंद करा उनको कोतवाली में। तो हालात ये बांधना चाह रहे किसान यूनियन को प्रेशर में लेने का, और कोई मामला नहीं है कुछ भी, कैसे किसान यूनियन को उड़जाओ इन्हें कोई, और 15 लोग जो सिफारस पाए 15 के 15 इन्होंने बंद करे, कल इन्होंने तोड़फोड़ करे जी। भाई जब मामला सारा ही निमटेगा तो यही निमट जाएगा, लखीमपुर खीरी का भी यही निमट जाएगा, और कहाँ धक्के खाते फिरेंगे, गन्ने का भुगतान भी है और भी है, बहुत मामले हैं सारे, इनसे निमट जाएंगे। 10 साल पुराने ट्रैक्टर भी हैं, ये भी है, तो बांधना चाह रहा तो भाई बांधना जो है, हमारा भी मुद्दे बहुत हैं, लेकिन ये नहीं होगा कि आप किसान संगठन को प्रेशर में लेकर उसको दबाना चाहते हो। रात के 1 बजे लोग को पुलिस घर पर रही, उनको दे दिया, लेकिन अगर कोई सिपाह उनके साथ भेज दिया अपने के मेडिकल सबका करवा दो, उनको सबको आप बंद करोगे तो हम भी, आप हमको भी जेल में लेकर चलो भाई, वे हमारे भी घर पे गए, अगर वे थाने वहां से घर पे गए हैं तो मुलजिम हम भी हैं, हमको भी जेल भेज दो। लेकिन कोई वो नहीं है, ये है कि किसान संगठन को प्रेशर में लेने का एक षड्यंत्र है, और कोई प्रोग्राम इनका नहीं है। सत्ता की सहपे हो रहा है कभी? और किसकी सहपे हो रहा भाई, फिर बिल्कुल ठीक होगा तो यहाँ बिल्कुल ठीक होगा सारा, और इसी कोतवाली से ही ठीक होगा, हम बैठ गए अपने टेंट लगा के यही बैठेंगे, आ जाएंगे जिन रिश्वत का बहुत बाजार करा है, मैं पूरा भ्रष्टाचार मिट जाए थानों में, इनमें सब यहाँ से ही निमटेगा, बिल्कुल जिला नंबर 1 में चला गया तो नंबर 1 में ही चला गया। ये बताया जा रहा है यूनियन के कार्यकर्ताओं ने अस्पताल में भी रात में तोड़फोड़ की है, इमरजेंसी। कोई तोड़फोड़ नहीं करता, कोई तोड़फोड़ नहीं करता, कौन सा तोड़फोड़ करी, अगर 10 आदमी वहां इकट्ठे होकर एक स्टूल नीचे गिर गया तोड़फोड़ होती है, उनसे आप तहरीर लोगे डॉक्टर से कि एक वो दे दो, क्या तोड़फोड़ हुई और क्या आपने ठीक करवा भाई, कौन क्या तोड़फोड़ हुई, वो तोड़फोड़ दिखा दो। अभी क्या चाहते हैं आप? वे सारे लोग छुट्टे हैं, ये चाहते हैं जो दो का झगड़ा आगान के दोनों का मेडिकल करवा का, जो उन पर बनता हो केस उनको भेज दो जहाँ भेजना। धरना कब तक चलेगा? धरने का क्या पता भाई, जब तक कोतवाल जाएगा जब तक चलेगा धरना, हम क्या कहीं जा रहे, लखीमपुर खीरी वाला मामला कौन निपटा होगा, यंती बात हो जाएगी भाई, वहाँ पे भी बहुत मामले हैं तो यंती हो जाएगी, कोतवाल अरे हैं सारे ठीक, यहाँ का प्रशासन तो भाई सीधा लखनऊ, इनकी बातचीत होती है तो सारे मामले यंती सोल्व हो जाएंगे, मामले बहुत हैं।